ये देखो प्यारे बच्चों, एक बेसिक सवाल है। कहता है निकिल अगर कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो ये रूम टेम्परेचर पे है, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो एबव द क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर के बाहर। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? क्यूरी टेम्परेचर वो होता है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है, फेरोमैग्नेटिक जो भी मटेरियल है, तो फेरोमैग्नेटिक किस में कन्वर्ट हो जाता है? पैरा मैग्नेटिक में, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल में। और उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर, TC, ठीक ना? इस टेम्परेचर, क्योंकि जो मैग्नेटिक मटेरियल जो है, जो मैग्नेटिज्म होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिज्म है, वो डिक्रीज होगा, ठीक ना? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो कम होगी, तो फेरो मैग्नेटिक पैरा मैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है एक खास टेम्परेचर पे, क्यूरी टेम्परेचर पे, ठीक है? अब और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होगा, और फेरो मैग्नेटिक मटेरियल फाइनली डाई मैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये डाई मैग्नेटिक मटेरियल बियॉन्ड द क्यूरी टेम्परेचर। तो इस हिसाब से अपना सी ऑप्शन सही हो जाता है। तो आई होप कि बेसिक बेसिक सवाल थे। थैंक यू।